आप सुन रहे हैं द 90's शो, द 90's शो विद अनु मलिक, सिर्फ बिग एफएम पर। मध्यम मध्यम आग में लगाने आ गया हूँ चिंगारी, चिंगारी कोई भड़के। अरे चिंगारी से देखो कमाल की बात है, चिंगारी बोला कि गाना याद आता है कि भाई मध्यम मध्यम आग में लगाने आ गया हूँ चिंगारी, अब है मेरी बारी, यानी कि द 90's शो विद अनु मलिक ओनली ऑन बिग एफएम। ये तो हम सब मानते हैं कि 90's ने हमें कितना कुछ दिया है, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जूही चावला, कजोल, रवीना, करीना जैसे जबरदस्त सुपर सुपर स्टार्स, आनंद मिलन, जतिन ललित, नदीम श्रवण, शानू, कविता, अलका, उदित जैसे म्यूजिकल स्टार्स, मतलब जितना बोलू कम है यार। अनु मलिक देखो ना, जनता तुमसे भी करती है प्यार, इसलिए बोलता हूँ कि 90's का कभी भी कम नहीं हो सकता फसाना। और आज का शो शुरू करता हूँ फ्रॉम 90's की ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना। हर वक्त उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने उभरती है और मैं तस्वीर से हर वक्त कहता हूँ कि जा, चली जा यहाँ से, पीछा मत कर मेरा, लेकिन हर बार उसका चेहरा ऐसे उभरता है मेरे सामने जैसे बाद में मुझे चांद निकल आया। ऑटोग्राफ, अच्छा तरीका है ऑटोग्राफ लेने का। हम चल भी आए थे लेकिन आपको लोगों ने घेर रखा था ना, तो हमने सोचा कि। क्या नाम है आपका? काजल। वो काजल जो आंखों में लगाते हैं या बच्चों को नजर से बचाने के लिए? दोनों। दोनों। अच्छा बताइए हम क्या लिखें? कुछ भी अच्छा सा लिख दीजिए मेरे लिए। दीवाना में थे ऋषि कपूर, शाहरुख खान और दिव्या भारती, और आज कोइंसिडेंटली 5 अप्रैल है, यानी कि दिव्या भारती जी का 25वां डेथ एनिवर्सरी। 25 साल हो चुके हैं दिव्या भारती को जाके, क्या सितारा थी। याद आती है दिव्या भारती तो जान निकल जाती है। मैं समझता हूँ अगर आज होती तो हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 सुपरस्टार होती। अब एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा दीवाना के बारे में कि आप बोलोगे यार ये हुआ था क्या, ये फैक्ट है। खलबली मच गई थी, शाहरुख खान साहब एक फिल्म कर रहे थे जिसका नाम था दीवाना, जिसमें थे ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान। अब इस पोस्टर को लेकर ऐसी खलबली मची कि शाहरुख के हाथों एक फिल्म जाने वाली थी। तो भाई साहब पोस्टर ऐसा था कि बैक था, सामने हीरोइन थी, तो हीरोइन का चेहरा दिख रहा था लेकिन जो बैक था उस हीरो का चेहरा नहीं दिख रहा था उस फिल्म में। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ इस पोस्टर का पता रियल चेहरा किसका था, अरमान कोहली साहब का। अरमान कोहली साहब ने फिल्म नहीं की या उनको नहीं लिया, वो एक अपनी अलग कहानी है। इस पोस्टर पर उन्होंने क्या कर दिया कि एक जो बैक था, समझने की कोशिश की थी कि बैक आ रहा है बड़ा फ्रेम में, और यहाँ चिपका दी पोस्टर के ऊपर शाहरुख की तस्वीर। तो शाहरुख की तस्वीर नजर आ रही है, ऋषि कपूर नजर आ रहे हैं, दिव्या भारती का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन ये बैक कौन है? जीपी सिप्पी साहब ने जब ये पोस्टर देखा तो शाहरुख पर भड़क गए, नाराज हो गए, बोला यार मैं तुम्हें एक इतनी बड़ी सोलो हीरो की फिल्म देने वाला हूँ, राजू बन गया जेंटलमैन, और तुम यार ये थर्ड हीरो बन के आ रहे हो। तो शाहरुख ने समझा सर थर्ड हीरो में समझ नहीं आ रहा है। अब शाहरुख को पता ही नहीं चला पोस्टर ऐसा रिलीज कर दिया है, एक तो हीरो जिसका बैक नजर आ रहा है, सामने दिव्या भारती नजर आ रही है, नीचे आपका चेहरा है शाहरुख खान और ऋषि कपूर, यानी कि 3 हीरो की फिल्मों में आप काम कर रहे हो और मैं आपको सोलो हीरो लेने वाला था, तो आप कैसे आप ही फिल्म कर रहे हैं, मुझे नहीं करना आपके साथ काम, राजू बन गया जेंटलमैन में। लेकिन हुजूर मैं बताना चाहता हूँ कला कला होती है, नाम तो हो ही जाता उसी का जो अपनी कला को जानता हो। फिल्म रिलीज हुई दीवाना थिएटर के अंदर, आधी पिक्चर खत्म हो चुकी थी और आधी पिक्चर के बाद जब शाहरुख खान की एंट्री हुई उस गाने पर, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, याद होगा आपको गाना, सीटियां बज गई थिएटर में, सिक्के फेंकने लगे लोग, और जीपी सिप्पी साहब के लोगों ने जाके जीपी साहब से बताया सर फिल्म जाके देखिए जिसको आप राजू बन गया जनरलमैन में साइन कर रहे हैं वो शाहरुख खान पर, तो सीटियां बज रही है, भागे जीपी सिप्पी साहब वहां। अब मैं बताना चाहता हूँ कि चिंटू का नाम चिंटू कैसे पड़ा, चिंटू कपूर यानी कि ऋषि कपूर, मतलब यानी कि सुपरस्टार अपने जमाने के, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला था, जिनकी खूबसूरती पर हजारों फिदा थी, जो मतलब स्टार तो थे ही लेकिन बड़े कमाल के एक्टर भी। आज आपको बताऊंगा कि उनके जैसे बड़े स्टार का नाम चिंटू कैसे पड़ा। हुआ यूं कि ये बड़ी कमाल की कहानी है कि उनके घर में उनके बड़े भाई रणधीर कपूर साहब एक स्कूल की कविता पढ़ते थे और वो कविता कुछ ऐसी थी अब जो उनको याद नहीं होती थी रणधीर कपूर साहब को, तो बार बार चिल्ला चिल्ला कर पढ़ते थे घर में, छोटे से चिंटू मियाँ छोटी सी उनकी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ। अब ये अपने पढ़ते पढ़ते घूमते थे,
और कमाल की बात है, ऋषि कपूर साहब जो छोटे थे वो भी घर में इधर उधर ही कविता चलती रहती, वो इधर उधर घूमते रहते थे, तो घर वाले देखते रहते थे कि जब ये कविता पढ़ रहे हैं रणधीर कपूर, तो पीछे ऋषि कपूर उनके पीछे इधर उधर जाते थे। अचानक एक ने बोला भाई चिंटू को बुला लो, अचानक फिर किसी और ने बोला भाई चिंटू कहाँ है, खाने पर बुला लो, भाई चिंटू कहाँ है, भाई स्कूल गया है, अरे चिंटू को बोलो तैयार हो जाए। अचानक देखा कि उस कविता की वजह से सब ऋषि कपूर को चिंटू बोलने लग गए। अब चिंटू चिंटू करते करते चिंटू के डीएनए में इतना चला गया तो वो भी भाई चिंटू जी हो गए। अभी हम भी जब उनसे बात करते चिंटू जी क्या हाल है, अब वो इतना बड़ा नाम कमा चुके हैं लेकिन नाम में अभी भी चिंटू। अब मैं सुनाना चाहता हूँ वो शाहरुख की कहानी जिसने शाहरुख की जिंदगी बदल दी। छोटे थे जब उनके पिता गुजर गए, माँ ने बड़ा किया शाहरुख खान के साथ, उनकी एक बहन। अब ऐसा हुआ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, काम नहीं, पिता नहीं, हालत इतनी बुरी कि वो कहाँ जाए, किससे मिले, क्या करे। इसमें उनकी माँ की भी तबीयत खराब हो गई। अपनी बहन को भी संभाल रहा था, अपने आप को भी संभाल रहे थे और अपनी माँ को भी संभाल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ भी चल बसी। अब शाहरुख को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। बिना माँ बाप के, हम जैसे कहते हैं कि घर तो है, जब आपके माँ बाप होते हैं तो पूरा घर घर होता है, जब माँ बाप नहीं होते ऐसा लगता है घर है लेकिन ऊपर छत नहीं है। और ये कुछ स्थिति हो गई थी शाहरुख खान की। ऊपर वाले से कहने लगे आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया, अगर ऐसे दिन दिखाना था। यहाँ तक कोसने वाली बात आ गई थी क्योंकि उनके साथ एक ही बहन, अब वो जिंदगी गुजारे तो कैसे गुजारे, कहाँ जाए, काम है ही नहीं हाथों में। इतनी शिकायतें हो गई कि ऊपर वाले से भी वो थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मेरे अब्बा को छीन लिया, मेरी अम्मी को छीन लिया, अब मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूं। ये एक ऐसा पॉइंट आया कि उनको लगा कि बस मैं हालातों के सामने अपने घुटने टेक दूं। मैं ये कहानी क्यों सुनाना चाहता हूं आपको, टू इंस्पायर यू कि जब आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाएं जहां आपको लगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई हमें चाहने वाला नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है, तो आप यहां से इंस्पिरेशन लो कि शाहरुख खान ने हालातों के सामने घुटने टेके नहीं, उन्होंने अपने बुरे वक्त से आंख मिलाई और बोला तू चाहता मैं खत्म हो जाऊं, नहीं मैं खत्म नहीं होऊंगा, अब तो मैं और मेहनत करूंगा, अब तो मैं और आगे बढ़ूंगा और अपने माँ बाप को बता दूंगा कि जिसको आपने जन्म दिया वो देखो आपका नाम रोशन कर रहा है। और वो लड़े, उन्होंने कड़ी मेहनत की, उन्होंने एक्टिंग सीखी, उन्होंने टेलीविजन सीरियल किया, आपको याद होगा उनकी फौजी जो सुपर ड्यूपर हिट सीरियल हुआ, उसके बाद वो मुंबई आए, लोगों से मिले, मेहनत की और आज वो शाहरुख खान है, इसलिए हम उन्हें किंग खान कहते हैं। ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है शाहरुख खान की जो मुझे इंस्पायर करती है और मेरा दिल कहता है बिग एफएम के जरिए ये स्टोरी, ये कहानी आपको भी इंस्पायर करेगी। नेवर एवर गिव अप। और भाई अब टाइम आ चुका है हैशटैग म्यूजिक वी लव का। हैशटैग म्यूजिक वी लव, म्यूजिक वी लव। और आज का गाना है बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, याद है गाना, बड़ा प्यारा गाना, व्हाट ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड व्हाट ब्यूटीफुल ट्यून फॉर्मेशन। इसके गीतकार हैं समीर जी और गाना बनाया था आनंद मिलिंद जी ने। एक कमाल की बात है, गाने बनते किसके लिए हैं और चले कहीं और जाते हैं, यही सेम सिचुएशन हुई इस गाने की। ये गाना बना था इंद्र कुमार साहब की फिल्म, मुझे अच्छी तरह याद है, दिल के लिए। और इंद्र कुमार ने गाना सुना, सबने सुना और सबको पसंद आया। और समीर तो समीर है, बस जब वो लिखते हैं तो लिखते हैं, और आनंद मिलिंद ने गाना बना दिया तो बहुत मजा आ गया। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक दिन इंद्र कुमार साहब का फोन आ गया आनंद मिलिंद को, बोला यार मिलना चाहता हूँ आपसे। बोला ठीक है आ जाते हैं। बैठे, बोला कोई खुशखबरी? हाँ हाँ, खुशखबरी ये है कि जो आपने गाना बनाया ना बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, बहुत अच्छा गाना है। तो सब खुश हो गए और एक दूसरे को देखने लग गए। आनंद ने बोला देखा मैंने बोला था ना सुपर गाना हमने बनाया। और समीर ने बोला मैंने मुझे पता था यार जो चीज़ अच्छी होती है उसका कुछ अच्छा ही अंजाम होता है, अंजाम अंजाम अच्छा ही होता है। तो इंद्र कुमार साहब ने बोला साहब गाना तो बहुत अच्छा लेकिन मेरी सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा है। अरे झटका खा गए सब तीनों मिलकर, मतलब यानी कि दिल में पिक्चर में नहीं आएगा। बोले नहीं साहब आई वॉन्ट टू कीप दिस सॉन्ग, इंदु ने बोला इंद्र कुमार साहब ने, लेकिन मैं रख नहीं सकता मेरी सिचुएशन में नहीं, तो मैं कैसे रखूंगा। तो भाई गाना हो गया आउट। अब गाना जो आउट हुआ तो बड़े निराश हो गए आनंद मिलिंद। चार साल बाद उनको ऑफर आई एक फिल्म की, अंजाम। ये नोट करो मैंने इससे पहले अंजाम बोला था। अंजाम पिक्चर जब मिली तो समीर आनंद मिलिंद को ये गाना याद आया, बोले चलो यार राहुल साहब को सुना देते हैं। राहुल रवेल ने सब ऐसे ही बोला सुनाओ क्या गाना है। उन्होंने बोला साहब ये गाना बनाया आपकी सिचुएशन के लिए सुन लो। जैसे ही ये गाना गाया इतना पसंद आया राहुल रवेल को, उसने बोला मेरी फिल्म अंजाम में ये गाना होगा। उन्होंने ये गाना रख लिया। और ये गाना मैं बताना चाहता हूँ जब अंजाम पिक्चर में आया सुपर ड्यूपर हिट हो गया। ये गाना ही डेस्टिन्ड था कि ये सुपर हिट होगा। मिसिंग, मिसिंग,
पोस्टर। पहला क्लू है नाजनीन परवीन फरीन। तीन में से वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसकी डेब्यू फिल्म का नाम था जान तेरे नाम? पहचाने पहचाने। 90's की स्पॉटलाइट। आपको बताना चाहता हूँ, एक जमाना ऐसा भी था 90's के अंदर जब बहुत सी फिल्में बेस होती थी लिटरेचर पर। क्या लिटरेचर होता था। मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ मुंशी प्रेमचंद साहब का। मैंने वो किताब पढ़ी है कफन। किताबें लिखी जाती थी, क्या लेखक थे, क्या लिटरेचर था, यानी कि साहित्य कृतियों पर आधारित सिनेमा लिटरेचर पर। जैसे कि चित्रलेखा आपको याद होगी, पिंजर, गाइड, देवदास, काइपो चे, रिसेंटली अगर आप देखो ओमकारा, मकबूल, विशाल जी ने तो कमाल फिल्म बनाई थी मकबूल। कोई ना कोई नॉवल पर ये आधारित थी, नोन बुक्स पर बेस्ड होती थी। लिटरेचर एक ऐसा माध्यम था कि उसे पढ़ के भी मजा आता था और जब स्क्रीन पर आप देखते थे तो और मजा आता था। और कुछ कहता ही था लिटरेचर। लिटरेचर जैसा जमाना अब कहाँ रहा। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड पहले जितना अब आजकल नहीं है, कम हो गया। ट्रेंड्स बदल गए हैं, लोगों के जीने के अंदाज बदल चुके हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जब भी फिल्म कोई लिटरेचर पर आधारित होती है तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। जैसे आजकल लोगों को लिटरेचर पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो चुकी है या छूटती जा रही है, वैसे ही लिटरेचर पर सिनेमा भी हमारे बीच से मिसिंग होता जा रहा है भैया, जैसे हमारे मिसिंग पोस्टर की हीरोइन। करेक्ट, मैंने क्या बोला था पहला क्लू, नाजनीन परवीन फरीन, याद होगा आपको। दूसरा क्लू, उस एक्ट्रेस की फिल्में थी दिल की बाजी, आग का तूफान, अमानत, नजर के सामने और मेरी आन। अब तो ढूंढ लो जवाब मेरी जान। तो रेडी हो जाइए टिप अन्नू के लिए, दीजिए मिस कॉल या SMS 55454 पर। तो देखते हैं किसका लगता है आज नंबर। हेलो, यू आर द लकी कॉलर, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस राम राज्य है। तेजस राम राज्य, वाह 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 वाह, बहुत ही प्यारा नाम है और बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपका सवाल क्या है? तो अनु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इतने लोगों के साथ कोलैबोरेशन किए हैं, इंडियन लोगों के साथ, और इतने काफी हिट गाने बनाए हैं, तो जो फॉरेन के जो सिंगर्स है, जो आर्टिस्ट है, आपका उनमें से किसी के साथ काम करने का कुछ प्लान है या कुछ ऐसा ये है? बहुत 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 अच्छा सवाल किया आपने, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। अब देखो, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग इतना टाइम लगाते रहते हैं, खोए रहते हैं, हमारे पास ये वक्त ही नहीं मिलता है कि हम लोग ये सोचे। लेकिन अगर मौका मिले तो आजकल जितना भी टैलेंट, फॉर एग्जांपल, दुनिया छोटी हो चुकी है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हम उनके काम सुनते हैं, वो हमारा भी काम सुनते हैं। और बल्कि मुझे तो लगता है कि फॉरेन आर्टिस्ट के मैं कुछ गाने मैं सुन चुका हूँ जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस बहुत आने लग गया है, लेकिन लोग इसके बारे में आजकल बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ गाने उनके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ट्यून सुनता हूँ, ऐसा लगता है यार ये हमारी ट्यून है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेरा गाना याद होगा, वो छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैजणिया, याद है ये गाना? तो ये मेरा ही गाना है, जो ये गाना मैंने बनाया था फिल्म चाइना गेट के लिए। और ये फिल्म इतनी सुपरहिट हुई और ये गाना इतना चला कि ये चले गया मुलैन रूज फिल्म में। अच्छा, मुलैन रूज में निकोल किडमैन पर पिक्चराइज हुआ था। और ये गाना बल्कि मेरा बिना मुझे बोले कोलैबोरेशन शुरू हो गया। जो आप सवाल कर रहे हो ना, मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ कर लिया। सिर्फ ये है कि पैसा वैसा किसी और को दे दिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। लेकिन मुझे एक लड़का बहुत पसंद है, ब्रूनो मार्स। हाँ, मैं ब्रूनो मार्स के साथ काम करना चाहता हूँ और बहुत उसकी आवाज पसंद करता हूँ। अगर मैं अपनी ट्यून दूँ और वो गाए तो मजा आ जाए। यहाँ शायरी आ गई, मैं अपनी ट्यून दूँ और वो गाए तो मजा आ जाए। वाह वाह वाह, नाइस टॉकिंग टू यू तेजस, लॉट्स ऑफ लक, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गॉड ब्लेस यू। और अब मिसिंग पोस्टर का थर्ड एंड लास्ट क्लू, क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर चली गई वो साजन के घर। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ एक्ट्रेस फरहीन की, जो हिंदी, तमिल, मलयालम, अगर आपको याद होगा मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में 1992 से लेकर 1996 तक बड़ी ही एक्टिव रहीं। और फिर बन गई हमारे मिसिंग पोस्टर कॉन्टेस्ट का सवाल, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं। तो चलिए अब अन्नु मलिक लेता है आप सबसे इजाजत, लेकिन अपनी वाली इंस्टा शायरी के साथ। और आज की इंस्टा शायरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंस्टा शायरी, शायरी। इश्क में जो जान की बाजी लगा दे, इश्क में जो जान की बाजी लगा दे उसे दीवाना कहते हैं, और जो बचपन से पचपन तक याद रहे उसे हम हिट गाना कहते हैं। ओ
यार गाने पर जो शायरी मारी है मैंने वो बोल दिया, मतलब आपने भी ताली बजाई होगी। हैव अ गुड नाइट, हैव फन, और फिर हम जरूर कल मिलेंगे।